इस बार का दशहरा देश के लिए दो मायनों में खास रहेगा। एक तो होगी भगवान राम के हाथों बुराई पर अच्छाई की जीत, तो दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा वो तोहफा जिसका लंबे वक्त से हर किसी को है इंतजार। इस बार विजय दशमी के दिन ही है वायु सेना दिवस भी, और इस मौके पर भारत को मिलने वाला है पहला रफाल। पहला रफाल जब भारत को सौंपा जाएगा तो बाकायदा फ्रांस में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जाएंगे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी इस मौके पर मौजूद होंगी। भारत की एक टीम पहले से ही इस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए फ्रांस में है और द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास के जरिए रफाल की खूबियों को समझ रही है। भारतीय वायु सेना के पायलटों की एक टीम अगले हफ्ते रफाल विमानों को उड़ाना शुरू कर देगी, जिससे विमान को सौंपे जाने की तैयारी की जा सके। पहला रफाल 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज को मिलेगा। इस स्क्वाड्रन में पहले MiG-21 विमान शामिल थे और इसने कारगिल की लड़ाई में भाग लिया था। रफाल विमानों में परीक्षण और ट्रेनिंग के लिए भारतीय पायलट इन्हें फ्रांस में कम से कम 1500 घंटे उड़ाएंगे। उड़ान के दौरान रफाल विमान स्कैल्प मिसाइल से लैस होंगे, जो 300 किलोमीटर की रेंज में जमीन पर वार कर सकती है। औपचारिक रूप से तो भारतीय सेना को यह विमान फ्रांस में मिल जाएगा, लेकिन अंबाला एयरबेस में इसे ट्रेनिंग और परीक्षण के बाद अगले साल मई तक ही लाया जा सकेगा।